जिला अभिभाषक संघ भीलवाड़ा ने राज्य सरकार द्वारा घोषणा पत्र के अनुरूप सुविधा मुहैया नहीं कराने के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर जाजम बिछाकर धरने पर बैठ गए। संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार कचौलिया ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं को सुविधाएं, वेलफेयर एवं अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की घोषणा की। वर्तमान में कांग्रेस की सत्ता रूढ़ है, लेकिन पार्टी ने अपना घोषणा पत्र के अनुरूप अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद लागू नहीं किया है और न ही इस संबंध में कोई कार्यवाही की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन अधिवक्ताओं के साथ घटनाएं घटित हो रही है, ऐसे में सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं होने से अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। 26 फरवरी को जोधपुर में राजस्थान के अधिवक्ताओं के महापड़ाव में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने हेतु राजस्थान के सभी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरक्त रहकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने जाजम बिछाकर धरने पर बैठ गए। इस संबंध में ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि अधिवक्ताओं के हितार्थ सुरक्षा अधिनियम इसी विधानसभा सत्र में पारित कराने की अपील की गई। राजस्थान में 18 अगस्त को हुई घटना, 18 फरवरी को हुई घटना के बाद पूरे अधिवक्तागण आक्रोश में है कि जो राजस्थान सरकार ने 2018 में घोषणा पत्र जारी किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन लागू करेंगे, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। विगत 9 दिनों से हम अधिवक्ता आंदोलन है, हमारे अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, हमले हो रहे हैं, फिर भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कारण कल जोधपुर में महापड़ाव आयोजित किया गया, पूरे राजस्थान के वकीलों का आह्वान किया गया और वहीं निर्णय लिया गया कि सरकार हमारी इस मांग को पूरा करे, घोषणा पत्र के वादे को पूरा करे, अन्यथा हमें विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा। इसलिए आज पुनः हम कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से मांग की है कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन इसी विधानसभा सत्र में लागू करें, ताकि हमें विधानसभा तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़े।